हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड में न्यूज में सबसे पहले बात नू शोभा यात्रा को लेकर जारी अलर्ट से जुड़ी खबरों की। नू में प्रशासन से इजाजत न मिलने पर ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने की आज तैयारी। इलाके में लगाई गई धारा 144, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद, स्कूल कॉलेज बैंक भी रहेंगे बंद। वीएचपी का बयान, सुबह 11 बजे यात्रा शुरू करने की बात कही। नलहड़ मंदिर से शुरू होकर झिर महादेव मंदिर और फिर श्रृंगार मंदिर पर खत्म होगी यात्रा। यात्रा में सिर्फ मेवात क्षेत्र के ही लोग रहेंगे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा यात्रा की नहीं दी गई मंजूरी। यात्रा में भाग लेने के बजाय लोग जलाभिषेक के लिए अपने अपने इलाकों के मंदिरों में जा सकते हैं। वीएचपी की यात्रा पर नूह के डेप्यूटी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा का बयान, पुलिस ने नहीं दी है यात्रा निकालने की इजाजत, हालात संभालने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती। नूह में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात, सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनियां, 657 पुलिसकर्मी की लगाई गई ड्यूटी। यात्रा को लेकर दक्षिण रेंज रेवाड़ी के आईजी राजेंद्र का बयान, कहा प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है यात्रा निकालने की परमिशन, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की परमिशन नहीं। नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार बोले, हिंदू संगठनों की यात्रा पर प्रशासन की नजर, जिले में लगाई गई धारा 144, जिले के सभी स्कूल और बैंक बंद रहेंगे, लोगों से माहौल ना बिगाड़ने की अपील की गई। नूह में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं सुरक्षा कर्मी, शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस की कड़ी सुरक्षा। नूह में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है निगरानी, संवेदनशील इलाकों में पुलिस रख रही है आसमान से नजर, ड्रोन से हर हलचल पर पैनी नजर है। नूह के नलहड़ महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर पहले बढ़ाई गई सुरक्षा, हरियाणा पुलिस की ओर से लगाई गई है बैरिकेडिंग, इसके आगे गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं, मंदिर में दर्शन के लिए पैदल जा सकते हैं लोग। सदर इमाम के मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन का बयान, अपने आप को कानून और प्रशासन से ऊपर समझता है विश्व हिंदू परिषद, जब इजाजत नहीं तो क्यों निकाली जा रही है यात्रा। नूह शहर में पुलिस ने की दुकानों में जाकर चेकिंग, दुकानों में संदिग्ध सामान के छिपाने की आशंका को लेकर जांच की गई। गुरुग्राम में सोहना नूह टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मियों की तैनाती, टोल से गुजरने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर, यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं मिलेगी किसी को इजाजत। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार का बयान, कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस प्रशासन का काम, ताकि लोग अपने धार्मिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक तरीके से आयोजित कर सके। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, नूह में सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से निकलेगी यात्रा, यात्रा में पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व होगा। डीसीपी साउथ सिद्धांत जैन बोले, जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम, गुरुग्राम में 16 जगहों पर की गई नाकेबंदी, वाहनों की तलाशी ली जा रही है, लाठी डंडे से ले जाने की इजाजत नहीं है। हरियाणा के नूह में पुलिस का सख्त पहरा, जिले के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेटिंग, हर आने जाने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले, वीएचपी एक धार्मिक संगठन है और सभी धार्मिक संगठनों का अधिकार है कि शांतिपूर्वक तरीके से धार्मिक यात्राएं निकालें। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान, कहा नूह के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात, हालात पर पुलिस प्रशासन की नजर, आज रात तक इंटरनेट भी बंद। शोभा यात्रा के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा बगैर इजाजत कोई संगठन यात्रा पर अड़ा तो इन्हें अंदर से मिला है ग्रीन सिग्नल। यात्रा की परमिशन न मिलने पर भड़के विश्व हिंदू परिषद के नेता वीरेश शांडले बोले, पीएम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं लेकिन खट्टर दे रहे हैं कुछ और बयान। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।